हरियाणा के रास्ते पंजाब से दिल्ली आ रहे किसानों के प्रदर्शन के बीच हरियाणा सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के लिए दिल्ली करनाल हाईवे पर गनौर के पास सड़कों को ही खोद दिया गया है। हाईवे पर किसान ही नहीं, किसी भी वाहन को मूवमेंट की इजाजत नहीं दी गई है। हरियाणा राज्य की सीमाओं को सील करते हुए यहाँ सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान सिद्धू बॉर्डर के रास्ते दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। इस रास्ते में हजारों किसान दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। किसानों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर हर गतिविधि की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। हाईवे पर ड्रोन से निगरानी और उनकी अलर्ट पर लगातार पुलिस चौकन्नी है। बता दें कि किसानों के प्रदर्शन के बीच हरियाणा में कई जगह प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। प्रदर्शन के मुद्दे पर जहां हरियाणा और पंजाब की सरकार आमने सामने है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक किसानों के प्रदर्शन को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। और इस वक्त हरियाणा और पंजाब से ये किसान हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर सिंधु के पास पहुंच गए हैं और यहां पर वो पुलिस प्रशासन से सीधी तौर पे भिड़ गए हैं और आमने सामने के इस टक्कर में लगातार पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन किसान जो हैं वो अपने ज़िद पर अड़े हुए हैं और वो लगातार बॉर्डर के ही इलाकों में बने हुए हैं और लगातार पुलिस उन्हें या तो समझा रही है और नहीं मानने पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। देखना होगा कि किसान और प्रशासन में कौन झुकता है और किसकी बातों को सुना जाता है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.